मैडम आप एक महिला हैं तो आप महिला से क्या अपील करना चाहती हैं जो आपके साथ की जो युवा महिला हैं, जैसे कि आजकल अधिकतर जो महिला हैं वो धर्म कर्म में विश्वास रखती हैं कि आप सुबह शाम मंदिर जाना चाहिए, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, एक तरफ बच्चा रोता रहता है और जो भूखा प्यासा है एक तरफ मंदिर के अंदर जाती हैं थाली वाली लेकर, आप उसमें क्या कहेंगी? मुझे जो लगता है कि ज़्यादातर हम ये बोलते हैं कि महिलाएं धर्म कर्म में विश्वास रखती है और ये तो वो आता कहाँ से है, वो मेरा सबसे बड़ा सवाल समाज को भी है कि ये जो धर्म कर्म है वो कहाँ से आते हैं और महिलाओं पे ही क्यों थोपा जाता है, क्योंकि वो मैंने अक्सर वो मैंने देखा है कि कहीं भी कथा है कुछ भी है तो जब सबसे ज़्यादा महिलाएं ही उसमें जाती है, मतलब क्या क्या बोलते हैं कि समाज को अगर घर को बचाना है तो और व्रत उपवास जो भी है वो महिलाएं करेगी तभी घर का मतलब आगे जाना, तो एक जो है अंधश्रद्धा एक तरीके से समाज में जो जिस तरीके अंधविश्वास जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है और वो एक सूझबूझ से मतलब महिलाओं पे थोपा गया है। और एक मुझे मतलब एक महिला होने के तौर पे यही बोलना है कि सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी देनी चाहिए और जितनी महिलाएं पढ़ेगी आगे आएगी तो समाज में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 50% आधा आधी दुनिया हमारी भी है और आधी दुनिया हमारी है तो उस आधी दुनिया में हमको स्वप्न देखने का भी अधिकार है, यही मुझे कहना है। तो आप महिलाओं से क्या अपील करेंगे? मुझे ये कहना है कि जो भी महिलाएं हैं जो हमारे साथ मतलब जुड़ी हुई है वो सब अपनी बच्चियों को पढ़ाए, उनको बाहर निकलने का मौका दे, उनको मजदूरी पे ना भेजे और उनको पढ़ाने में और उनको आगे ले जाने में जितने मौके दिए जाएंगे तो मुझे लगता है समाज में सही मायने में और सरकार जो है कि सरकार का जो एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा राइट टू एजुकेशन की सरकार जो बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो दलित आदिवासी माइनॉरिटी है ओबीसी है उन बच्चों तक, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा में अगर सरकारी स्कूल में अगर जो शिक्षा लेता है वो सबसे ज़्यादा यही समुदाय में से है, तो उनको राइट टू एजुकेशन को सही मायने में अमलीकरण कराए और उसमें बच्चियों पे सविशेष प्रावधान किया जाए और सविशेष उनको आगे लिया जाए तो मुझे लगता है कि भारत की तासीर बदल सकती है।